नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव तेज चैनल। मैं हूं पत्रकार अजय पावा और हम खड़े हैं लुधियाना के सानेवाल रोड पर, जहां पे मैक ऑटो प्रदर्शनी लगी है। एग्जीबिशन है मशीन टूल्स और रोबोटिक ऑटोमेशन मशीन्स की, जहां पे नई नई तरह की मशीनों को प्रदर्शित किया गया। और मेरे सामने है एक स्टॉल हरको कंपनी का, जो रोबोटिक मशीनें हैं ऑटो पार्ट्स को जो कंपनी है वो बनाती है। हम आपको दिखा रहे हैं ये ऑटोमेशन हैं, सारी रोबोटिक मशीनें हैं। रोबोटिक मशीनों का जमाना है और कम से कम खर्च में अच्छा वर्क करने का जो होता है वो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया है। मेरे साथ मौजूद हैं कंपनी के जो हैं सेल्स, देखते हैं सर जो ऑटोमेशन हैं आपकी मशीन रोबोटिक है, ये क्या करती है? सर ये रोबोटिक मशीन ही है, ये बेसिकली शॉप फ्लोर CMM है। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पहले ही पता होगा कि जो नॉर्मल हम CMM की बात करते हैं उसके लिए एक स्पेशल अलग से रूम चाहिए, लेवलिंग प्रॉपर होनी चाहिए एंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस रूम को मेंटेन करना चाहिए फॉर अ CMM। ये जो सर प्रोडक्ट है दिस इज़ अ शॉप फ्लोर CMM। हम इस मशीन को उठा के शॉप फ्लोर पर लेके जा सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या है, एक तो इसमें लेवलिंग नहीं करनी पड़ती आपको, इसकी कोई कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, एक बार आपने उस पर कॉम्पोनेंट रख दिया, उसका मास्टर डेटा एक बार फीड कर दिया, उसके बाद आप जितने मर्जी कंपोनेंट चेक करते जाओगे जैसे जैसे, ऑटोमेटिकली वो मशीन को फीडबैक देगा एंड मशीन ऑटो करेक्ट करेगी जो आने वाले पार्ट्स हैं उसको। तो इसमें कोई प्रोग्रामिंग भी सेट करनी पड़ती है? एब्सोल्युटली, इसमें वन टाइम प्रोग्राम सेट होता है कि कौन सा पार्ट चेक करना है। जैसे मैंने बोला था मास्टर हम डेटा फीड करते हैं, तो जो आपका मास्टर पार्ट है जो आपका 100% एक्यूरेट बना हुआ है, एक बार उसकी प्रोग्रामिंग करके हम इसमें फीड करते हैं और उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैक ऑटो में आपने अपनी प्रोडक्ट को शो ऑफ किया है, तो यहाँ पे अभी तक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके आपसे बातचीत करी है, क्योंकि ऑटो पार्ट बहुत है लुधियाना में? सर अगर मैं ब्रॉडली इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री से हमारे पास जो बिजनेसमैन हैं यहाँ के वो आए हैं, बी इट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बी इट पाइप फिटिंग हो गई, ऑटो एंसिलरीज हो गई या एक्सपोर्टर्स हो गए। सो एवरीवन हैज़ कम टू द एग्जीबिशन, हमारा स्टॉल विजिट किया है, दे हैव सीन द टेक्नोलॉजी। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं एंड डिजिटाइजेशन की बात करूं, ये हमने इस बार स्पेसिफिक स्टॉल पे रखा है। अगर मैं डिजिटाइजेशन की बात करूं तो वी हैव ERP सॉल्यूशंस। जैसे बहुत सारी अभी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी डिजिटाइज होने जा रही हैं, या दे वांट योर प्रोसेसेस टू बी डिजिटाइज। उसका रीज़न क्या है, बहुत सारी कंपनी के प्रोसेसेस में लीकेजेस होती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री है, तो उसको कवर अप करने के लिए वी हैव गॉन डिजिटाइजेशन। सिमिलरली हमने रोबोटिक्स का अभी यहाँ पे डिस्प्ले किया है भी किस तरह रोबो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे मशीन को टेंड करेगा। इसमें फिर भी लेबर कॉस्ट कितनी बच जाती है? सर डिपेंड करता है, जैसे अगर आप 3 shifts की बात करें, अगर एक मशीन है तो 3 लोग तो बचते ही बचते हैं सर आपके एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो इस मशीन के अलावा आपके पास और कौन कौन सी मशीन्स हैं हम देखना चाहेंगे, वो क्या वर्क करती हैं और दिखाएंगे सर? मैं लेके चलता हूँ आपको। सो विल स्टार्ट विद हेयर, दिस इज दीज आर प्रॉपर CMMs। जो भी पार्ट आपने गेज करना है, मल्टीपल गेजिंग है, पार्ट की लेंथ एंड वेट कितना भी हो, इट गिव्स वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट फीडबैक्स। ऑटो जनरेट्स रिपोर्ट हो सकती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप सिमुलेट करके देख सकते हैं भी एग्जैक्टली क्या मेजर हो रहा है। बिकॉज आज की डेट में क्या है, टाइम सेविंग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है। तो उसमें क्या है कि अगर हम डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा लेंगे किसी भी चीज़ की, तो ऑब्वियसली उस कंपोनेंट का टाइम सेव होगा। तो इसलिए वी हैव डिस्प्लेड हाई टॉक मशीन्स, बिकॉज वी आर डिस्प्लेइंग टेक्नोलॉजी दिस टाइम हियर। सो वी गिविंग अ सोल्यूशन टू द इंडस्ट्री कि अगर आपका जॉब डिमांड करता है कि आप हायर कट लें, सो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। सर एक मशीन और हमने वहाँ पर देखी है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट है, उसको मेकिंग की जा रही है, वो जो कंपनी है, जो मशीन है, वो किस वर्क में ज़्यादा काम करती है? तो सर ये जो मशीन है, दिस इज़ अ हरको, इट्स अ US बेस्ड कंपनी एंड इट्स अ 5-axis मशीन। इसीलिए आप जो ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, इट इज़ टिल्टेड, यानी कि 5th axis पे काम कर रहा है। तो यूजुअली ये डाई मेकिंग या कोई क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, मैं आपको थोड़े से दिखाता हूँ इधर जो जो इस पे बने हैं कंपोनेंट्स, तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग है। ये 3D कंपोनेंट्स हैं, 5th axis में बने हुए हैं, आप फिनिश देखिए कितनी अच्छी है इनकी। अगेन इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सर इसका पैनल है, इट्स पैनल इज इट्स पावर। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ प्रोग्रामर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मशीन आपसे बात करती है।
भी मेरे को कंपोनेंट की लेंथ बताइए, विड्थ बताइए, आपने सिर्फ वैल्यू डालनी है उसकी एंड उसको रन कर देना है, ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम जनरेट करके बताएगा आपको। इसमें सर जो मशीन मेकिंग करी गई है, जो मशीनें बनाई गई हैं, इसमें कोई जो अपने देश से बाहर का भी कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है बनाने में? एब्सोल्युटली, दिस इज़ ये बाहर की मशीन है। अच्छा, यूएस बेस्ड मशीन, ताइवान में असेंबल होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सो यस, इसमें बाहर की मशीन है ही है ये। 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने कहा भी हम खुद बनाएंगे, खुद बेचेंगे। एब्सोल्युटली, तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो उस पर हम लोग क्या वर्क कर रहे हैं? उस पर सर बहुत चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आप फर्स्ट मशीन देखी, लोकेशन इट इज़ मेड इन इंडिया। इधर सर ERP सॉल्यूशंस, अगेन मेड इन इंडिया, हमारे लोकल लुधियाना के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने डेवलप किया है, सो वी हैव अडॉप्टेड दैट। नेक्स्ट सर GD वेलर, कोयम्बटूर इंडिया की कंपनी है, इंडो जर्मन कंपनी है, सारे पेटेंट इसके जर्मन है, असेंबल सारी यहाँ पे होती है। देन सर सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आप अगर आप बात कर रहे थे अभी कुछ इनिशिएटिव जो हमारे प्रधानमंत्री ने लिए, वन ऑफ दोज इनिशिएटिव इज भी जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देनी। अगेन हमने इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किए हैं, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग जो कि हमारे स्पेसिफिक इंडिया की हैं। तो जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उसमें जो स्टूडेंट्स अपने ट्रेनिंग लेने आते हैं, वो कहाँ तक उनकी पढ़ाई होनी चाहिए और कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए? सर उसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, रीज़न बिकॉज हमारी जो विजन है अपने ट्रेनिंग स्कूल को लेके, वो ये है कि जो भी हमारे पास आता है वी जस्ट नीड टू अपग्रेड हिम। हमारे पास अगर मैं बताऊँ तो 8th पास बच्चा भी आता है, जिसने पढ़ाई नहीं की वो भी आता है, BTech भी आता है, डिप्लोमा होल्डर भी आता है, कई बार तो MTech और PhD होल्डर्स भी आते हैं। इस समय जो पंजाब में माहौल चेंज हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ आगे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? जी सर, इनिशियल इट इज़ वेरी इनिशियल टू कमेंट ऑन दिस, बट आई गेस जिस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है ये आने से, आई एम वेरी पॉजिटिव कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स आने वाले हैं जो इसको डेफिनेटली पावर अप करेंगे। कहीं ना कहीं मीन्स आप ये भी सोचते हैं कि जो सरकारी अदारे होते हैं वो इंडस्ट्रीज को नहीं चलने देते और कहीं ना कहीं जो कारगुजारी होती है भ्रष्ट होती है, तो उस पर लगाम कसी जाएगी? सर सी दिस, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आई एम नॉट इन द राइट यू नो पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, सो विल जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच भी कैसे आगे प्रोसीड करता है। सो आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर भी लोगों का यही है भी अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे क्या करती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में लुधियाना इस समय सबसे आगे है। आप देखते रहिए लाइव तेज चैनल, हम आपको नई अपडेट के साथ फिर रूबरू कराएंगे।